Hare Krishna, by Srila Prabhupada's grace, I've been blessed to speak in many places on topics of Krishna consciousness. My disciples especially are duty-bound to hear what I have to speak. Of course, you have to listen to Srila Prabhupada speak, I have to read his books, there are many things to do in Krishna consciousness. But especially, I've given many, many talks which are meant for all devotees, for the public, but especially my disciples. They can hear, and this speaker box makes it available for them, for all of you. So I encourage you to take advantage of this. Devotees have put in tremendous effort to make this available. Please, my disciples, get this and listen to my lectures regularly. That will be good contact with me by hearing. Hare Krishna. तो आपके पास दो बॉक्स आएंगे, एक स्पीकर का और एक प्रोडक्ट का. इसको आप खोलिए. यू कैन ओपन दिस. यू विल हैव टू बॉक्सेस, वन ऑफ द स्पीकर एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट. इसको खोल करके अभी इसमें आप देख सकते हैं एक पुस्तिका, इसको सूची पुस्तिका कहते हैं. इसमें महाराज के सभी लेक्चरों की सूची है कि कौन कौन से नंबर पर कौन से लेक्चर हैं, कहाँ पर दिए थे, कौन सी डेट पर हैं. और साथ ही ये एक आपको पेन ड्राइव आएगी. ये एक्चुअली माइक्रो एसडी कार्ड है, कार्ड रीडर के साथ. दिस इज माइक्रो एसडी कार्ड विथ यूएसबी कार्ड रीडर. यू विल गेट दिस. हिंदी के लिए 16 GB, 64 GB इंग्लिश के लिए. फिर आपके पास ये एक बॉक्स आएगा, इसमें स्पीकर है, स्पीकर डिवाइस हियरिंग सुनने के लिए. इसकी एक बैटरी होगी और ये उसका चार्जिंग वायर है जिससे आप यूएसबी चार्जिंग कर सकते. चार्जर आपको खरीदना पड़ेगा. और ये है स्पीकर जिसमें आप सुन सकते हैं. जीओसी कंपनी का स्पीकर है, बहुत ही बड़ी आवाज़ है इसकी और बहुत ही सरल है उपयोग करने के लिए. इसको आप पीछे इसके खोल करके आपको उसमें बैटरी डालनी पड़ेगी और ये अंदर ही चार्ज होती है. बैटरी एक बार डाली फिर आप यूएसबी चार्जर लगाते रहिए और चार्ज होता रहेगा. ये ऐसा बंद कर दिया. फिर ये 16 GB कार्ड, वो यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट है, उसमें आप अंदर डाल सकते हैं ऐसे. और फिर ये ऑन ऑफ बटन है, तो आप ऑन कीजिए इसको. स्विच इट ऑन इज ऑन ऑफ बटन. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर गिर रहे हैं, सेकंड्स, कितने सेकंड का लेक्चर गया हो. ये वॉल्यूम बढ़ाने घटाने के लिए वो नॉब है. फिर आपको यदि फास्ट फॉरवर्ड या रिवर्स करना है तो नेक्स्ट का बटन है वो दबा के रखिए, या तो प्रीवियस का बटन दबा के रखिए. और बीच वाला बटन पॉज के लिए, पॉज किया, प्ले किया. बंद करके जब चालू करते हैं तो वहीं से शुरू होगा जहां पे आपने पिछली बार बंद किया तो छूटा था. देखिए, स्विच इट ऑफ, स्विच इट ऑन. इट विल स्टार्ट फ्रॉम वेर यू लेफ्ट. फिर जो माइक्रो एसडी कार्ड है उसको आप यूएसबी कार्ड रीडर में भी डाल करके उपयोग कर सकते हैं. ये यूएसबी कार्ड रीडर में डाल के फिर उसमें यूएसबी पोर्ट में जाएगा. इसका उपयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप एक माइक्रो एसडी कार्ड में प्रभुपाद के लेक्चर रख सकते हैं, एक माइक्रो एसडी कार्ड में महाराज के लेक्चर रख करके पेन ड्राइव में उपयोग कर सकते हैं, पेन ड्राइव में रख सकते हैं. और जहां पे भी आप चालू करेंगे
बंद करके मोड बटन से, तो आप वो कार्ड में जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू होगा। प्रभुपाद के लेक्चर जहां से छोड़ा था वहां से शुरू होगा। महाराज के लेक्चर जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू होगा। केवल मोड बटन दबाना है, तीन मोड है इसमें। अभी कैटलॉग पुस्तक जो आपके पास आई है सूची पुस्तिका, उसको कैसे उपयोग करते हैं इस विषय में देखेंगे। यहाँ पे पहले विषय सूची है, तो ये विविध विषयों पे प्रवचन 41 नंबर की पृष्ठ संख्या पे, तो उधर जाइए। उधर पहला प्रवचन है 544, स्पीकर में 544 दबाइए, देखा ऐसे, तो 544 नंबर का लेक्चर शुरू हो गया। एक राजा होना चाहिए, जो वो राजा इदि आमीन जैसे, मान लीजिए आपने 544, 545, 546, 547, मान लीजिए ये सब लेक्चर आपने सुन लिए आज, तो ये लेक्चर आप टिक कर दीजिए अपनी सूची पुस्तिका में। अभी श्रीमद भागवतम पे प्रवचन सुनने आज आपको, तो 23 नंबर के पेज पे जाइए। यहाँ पे पहला प्रवचन 261 है, तो उधर से आप मान लीजिए शुरू कर रहे हैं आज के दिन, तो 261 दबाइए अपने स्पीकर में, तो 261 नंबर का प्रवचन शुरू हो गया। फिर 262, 63, 64, 65, मान लीजिए कि आज आपने ये पांच प्रवचन सुन लिया, 61, 62, 63, 64, 65, तो टिक कर दीजिए। फिर आप कीर्तन वाले उसमें गए, आपको कोई कीर्तन सुनने का मन है, मान लो 1398 नंबर का कीर्तन जो है, 138 ये मंगला आरती है, तो सुनने का मन हुआ तो वो आपने सुना, फिर उसके बाद वाले भी एकाध दो आपने सुन लिए। फिर आपने टिक कर दिया, ये आपने सुन लिए हैं। अभी दूसरे दिन आप शुरू कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद मान लीजिए आपने कुछ प्रवचन सुन लिए, तो अभी कहाँ से सुनना है आपको, भगवद गीता में सुनना है, तो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ टिक हुआ है, और अंत में आप पहुँचे हैं यहाँ पे 28 नंबर पे भगवद गीता में, तो 28 नंबर दबाइए, तो 28 नंबर दबाया वो लेक्चर शुरू। फिर आज आपने 29 दो लेक्चर सुने, तो 28-29 टिक कर दीजिए। फिर अभी भागवतम पे गए, कहाँ तक सुन लिया है ऑलरेडी चेक कर लीजिए, यहाँ पे 277 आज सुनना है, 276 तक सुन लिया है, तो 277 दबाइए। अभी इसका इंडेक्स का जो फंक्शन है वो कैसे उपयोग करते हैं, शब्द सूची है, आप अलग अलग टॉपिक देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी गुरु टॉपिक है, पुस्तक के अंत में दिया है, तो गुरु टॉपिक है, तो उसके ऊपर ये नंबर के जो प्रवचन है
उसमें महाराज गुरु के ऊपर बोलते हैं, जैसे 962 नंबर का जो प्रवचन है, रावण क्या गुरु हो सकता है, तो 962 दबाइए और वो प्रवचन शुरू। अद्वैताचार्य इस तरह से आप, ये 532 नंबर, इस तरह से आप कोई भी विषय के ऊपर तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इसको बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, ये एक विशेषता है इसकी। I'm not.